इज गुड। चैनल पे देखूं लाइव हुआ कि नहीं। ओके आई एम शोइंग लाइव बट अभी तक यहाँ दिख नहीं रहा है। हेलो 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 एवरीवन। ओके लेट्स सी एक बार। ओके आई थिंक लाइव आना अब शुरू हो गया है। तो हाय एवरीवन, हम लोग 1-2 मिनट बस वेट करेंगे। हेलो एवरीवन, 1-2 मिनट वेट करते हैं एंड देन देखते हैं कितने लोग लाइव आते हैं, उसी हिसाब से फिर चीज़ें सेट करेंगे। ओके आर यू रियल? ऑफ कोर्स आई एम रियल। हेलो हाय हेलो, हाउ आर यू? हेलो 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 दृष्टि, हेलो ब्लैक टाइम स्टार, हेलो हाय हेलो निधि, हेलो। ओके सो आज का बेसिकली जो हम लोग लाइव सेशन ये कर रहे हैं, इसका एजेंडा बहुत ही सिंपल सा है। और वो एजेंडा है कि हम लोग 1899 जो मैंने एक्सप्लेन करा है उसमें बहुत सारी थियरीज हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, उस पर बातें करेंगे। अब आप बोलोगे कि लाइव क्यों कर रहे हो? वेल बेसिकली द थिंग इज कि मतलब यूट्यूब से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आप लाइव सेशन, वहाँ से मेरे को सजेशन मिला कि आप लाइव सेशन भी किया करो। तो लाइव में क्या ही करूँ यहाँ पे, सो वहीं से मेरे को सजेशन मिला मतलब डिस्कशन के दौरान कि जैसे आप मूवीज कर रहे हो, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो अगर कुछ ऐसा है जिसमें बहुत सारा थियरीज है तो उसको आप लाइव में बता सकते हो इंस्टेड ऑफ वीडियो। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल लाइव सेशन है। इसमें अगर एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर गुड तो बढ़िया है। मतलब मस्त अपना इसी को ऐसा कंटिन्यू करेंगे। इफ इट डजेंट वर्क आउट तो फिर वापस से वीडियो वाला थियरी सेक्शन शुरू करेंगे। ओके तो इस सेशन में कैसे हम लोग काम करने वाले, मैं आपको बताता हूँ। सो व्हाट विल डू इज, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा, जो क्वेश्चंस होते हैं जो होगा करके, एंड देन जब वो आंसर हो जाएगा तब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को भी। ओके तो यहाँ पे मैं कुछ बनाकर रखा हूँ तो शुरू करते हैं। आर यू रेडी? अगर रेडी हो तो एक बार यस लिख दो कमेंट में सब लोग एक साथ। अगर यस लिख देते हो तो मेरे को मतलब समझ में आ जाएगा कि आप लोग ओके हो। हाँ ये लिप बाम है, मेरा नहीं, मेरी वाइफ का है। हाँ देखे मैं ऐसे फिजट करने लगा। एनीवेज शुरू करते हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 1899 सीरीज में हुआ क्या। तो 1899 जो एक सीरीज है ये, इसमें बेसिकली हुआ ये था कि हम लोग देखे बहुत सारे लोग कर्बोरस शिप पे बोर्ड किए, लेकिन जो भी घटना उन लोगों के साथ हो रही थी एट द एंड हम लोगों को पता चलता है कि ये सब कुछ एक सिमुलेशन है। सिमुलेशन, अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देख रखा है कि तो आपको पता होगा कि सिमुलेशन मतलब क्या होता है बेसिकली। तो मतलब उसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया रियल नहीं है, ठीक है, हम लोग एक सिमुलेशन के अंदर है और वहीं से चीजें हो रही है। ठीक है पॉडकास्ट कैन यू अपलोड इट ट्वाइस अभी, आई विल ट्राई। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट वाज ऑफ 1899 कि भैया हम लोग सिमुलेशन में हैं, लेकिन वहां पे इतनी सारी चीजें हुई हैं उस सीरीज के अंदर, तो हम लोग के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चंस आ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग के दिमाग में आता है वो ये है कि क्या जो लास्ट में वो मतलब बाहर निकल पाई मोरा, तो क्या वो सिमुलेशन से बाहर निकल गई या फिर मतलब वो रियल वर्ल्ड में आ गए या फिर अब भी वो सिमुलेशन के अंदर है। ठीक है सारे क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, आप लोग जो पूछ रहे हो टेंशन मतलब एक एक करके करेंगे, एक एक करके। तो क्या है मतलब व्हाट इज द सिचुएशन? तो देखो भाई ऐसा सीन है कि हम लोग को सीरीज के अंदर ही एक बार बताया गया था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन हेनरी बोलता है, उसका जो डैड था मोरा का, बोलता है कि मान के चलो हम लोग जैसे इंसान है, हम लोग सब इंसान है, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है, तो व्हाट इज द गारंटी कि हम लोग रियल वर्ल्ड में हैं? मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं ना, सबका अपना अपना मानना है, कोई बोलता है सबके अपने अपने भगवान है तो सब मानते हैं, तो अगर भगवान हम लोग को क्रिएट किए हैं तो इजंट इट लाइक कि हम लोग भगवान के सिमुलेशन में जी रहे हैं, मतलब वो हम लोग का एक बना दिए रहे हैं, तो
मतलब हम लोग का लाइफ क्या रियल भी है? आई डोंट थिंक सो। तो यही वो थियरी है कि भगवान अगर हम लोग को बनाए हैं तो हम लोग भी सिमुलेशन में ही जी रहे हैं काइंड ऑफ। और अगर अगर हम भगवान हम लोग को बनाए हैं तो भगवान को भी तो कोई बनाया होगा, तो उनका भी तो कोई क्रिएटर है, तो क्या फिर वो सिमुलेशन में नहीं है? तो क्या ये पूरा जो चीज है ये सिमुलेशन ही तो नहीं है? और डोंट यू थिंक कि मतलब ये एक एंडलेस लूप है काइंड ऑफ? सो दिस इज व्हाट द थियरी इज। तो इसी पे ये क्वेश्चन आता है कि जब लास्ट में बेसिकली तुमको ऐसा हुआ तो कौन, क्या मोड़ा बाहर निकल पाई, क्या मोड़ा सिमुलेशन से बाहर रियलिटी में आ गई? तो इसका आंसर है यस एंड नो। हो सकता है कि स्पेसशिप वाला ही रियलिटी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मोड़ा अभी भी एक सिमुलेशन में है, मतलब सिमुलेशन के अंदर सिमुलेशन। देयर आर अ लॉट ऑफ लेवल्स इन दिस सिमुलेशन। अब क्या है ये तो हम लोग को आगे ही पता चलेगा। तो ये एक पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप पूछोगे तुम्हारा क्या पर्सनली बिलीफ है, क्या वो बाहर निकल गई है? मेरा पर्सनल बिलीफ है कि वो बाहर नहीं निकली है, और इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है जो कि हम लोग इस लाइव सेशन के थ्रू आगे जानेंगे। ये लंबा होने वाला है तो आराम से बैठो, सबका आंसर होगा। एनीवेज, अगला क्वेश्चन है कि देखो वहां पे जो मेन कैरेक्टर्स को हम पकड़ते हैं तो मौड़ा है, फिर से तुमको मौड़ा तो है ही मेन कैरेक्टर, देन उसके अलावा डैनियल है, मौड़ा का पति जो है वो भी एक मेन कैरेक्टर है, देन डैनियल के अलावा मोरा की जो के जो डैड है वो भी मेन कैरेक्टर है, हेनरी। अब यहाँ तुम देखो तो हर कोई अलग अलग बात बोल रहा है। डैनियल का कहना है कि ये सब कायरन का किया गया है, जो कि मोरा का भाई है वो सिमुलेशन में ये सब कुछ कर रहा है। ना मोरा का कहना है कि ये, उसके पिता का कहना है कि मोरा तुम ही ये सब कर रही हो, तो आखिर सच कौन बोल रहा है? सब लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो इस पे मेरी क्या थियरीज है एंड व्हाट डू यू थिंक? सो आई पर्सनली बिलीव कि इन लोग जैसे वहां पे हम लोग इंजेक्शन का और व्हाइट इंजेक्शन का, ब्लैक इंजेक्शन बेसिकली तुमको सब कुछ भुला देता है और व्हाइट इंजेक्शन से बेसिकली आप रिमेंबर कर पाते हो वापस से हर एक चीज को। तो सीन ये है कि अगर ब्लैक इंजेक्शन और व्हाइट इंजेक्शन का जैसे हमारा ये चल रहा है, एक मिनट, लाइव ओके चल रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यस लिख दो अगर क्लियर चल रहा है लाइव, तो क्योंकि नेटवर्क तो बहुत अच्छा है मेरा, वाईफाई वगैरह तो एकदम फास्ट है। एक बार बताना, यस ऑल फाइन, ओके ओके ठीक है। मैं बता रहा था कि ब्लैक इंजेक्शन और व्हाइट इंजेक्शन का तुम्हारा यहाँ पे सेम केस हो गया, ओके। सो ब्लैक इंजेक्शन से लोग चीज भूल जाते हैं, व्हाइट इंजेक्शन से लोगों को याद रहता है। ना हम लोग को सीरीज देख कैसा लग रहा है कि हेनरी को हर चीज याद है, हर चीज उसको पता है, बट आई पर्सनली बिलीव कि ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब हर इंसान को उतना ही याद है जितना कि टॉप लेवल पे जो इस सिमुलेशन के बैठा है वो उसको याद रखवाना चाहता है, उसको उतना ही याद है। तो हर कोई, इसीलिए हर कोई का पर्सपेक्टिव ही जो ना स्क्यूड है। मतलब इट्स लाइक कि हम लोग एक सिमुलेशन में रह रहे हैं और हम लोग को कुछ बोला जा रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि तीसरा बंदा विलेन है, तीसरे बंदे को लग रहा है कि मैं विलेन हूं, उसको लग रहा है वो विलेन है। तो हर इंसान का ही पर्सपेक्टिव काइंड ऑफ अगर आप देखो तो स्क्यूड है। सो दैट इज वाई आई थिंक कि यहाँ पे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये बोल पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन एज वी गो इन दिस सेशन, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप समझ पाओगे कि लास्ट तक मतलब मेरा क्या पर्सनल बिलीफ है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। हम लोग धीरे धीरे मतलब हर एक चीज पे बात करेंगे। अब तीसरा चीज जो आता है जिस सीरीज में बात किया गया है वो है प्लेटोज एलिगरी के बारे में, मतलब एलिगरी ऑफ द केव, प्लेटोज केव जो बेसिकली एक वहाँ कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि वीडियो में मैंने मतलब कुछ वैसा बताया नहीं था मतलब अच्छे से। तो सो प्लेटोस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो प्लेटोस कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि इसका कॉन्सेप्ट ऐसा काम करता है कि मान के चलो एक देयर आर बंच ऑफ प्रिजनर्स जिनको एक प्रिजन में रखा गया है और वो अपनी पूरी जिंदगी एक वॉल को फेस करके बिताते हैं, पूरी जिंदगी अपनी वॉल को एक फेस करके बिताते हैं। उन्होंने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है, वहीं पर वो रहे हमेशा, उधर ही रहे हैं। अब बाहर जो लोग होते हैं तो सूरज की किरण है वो हमेशा चेंज होती रहती है, डायरेक्शन सूरज अपना चेंज करता है, ईस्ट टू अपना जाता है। तो बाहर जो लोग आते हैं उनका शैडोज उस वॉल पे पड़ता है, तो वो लोग शैडोज को देख के सोचते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी होगी, राइट। तो वो लोग शैडोज को देखते हैं और शैडोज से ही मतलब वो लोग उसको मतलब नाम दे दिए हैं कि ठीक है ये शैडो ये है, ये शैडो ये है, एंड उसी हिसाब से वो अपनी जिंदगी को मतलब कि
जिंदगी को बेसिकली परसीव करते हैं। तो यही है बेसिकली प्लेटो से लेकर। तो यहाँ प्लेटो का ये कहना था कि वो जो शैडो में देखते हैं उनके लिए उनका रियलिटी वही है, उनका पर्सपेक्टिव वही है, तो वो लोग लाइफ को यही समझते हैं, ठीक है, कि शैडो है तो वही शैडो है, इंसान वैसा ही होगा। लेकिन क्या एक इंसान का जो शैडो होता है वो उसकी तरह ही होता है? नहीं, सन के एंगल पर डिपेंड करता है, यानी कि बाहर की जो एक्चुअल दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है देन द शैडो दैट दे आर लुकिंग एट, समझ रहे हो? तो ये है प्लेटोज एलिगरी। तो इसका बेसिकली मीनिंग यही है कि मतलब आप जो देखते हो, आप जो दुनिया को परसीव कर रहे हो, वो आप एक पर्टिकुलर लेंस से परसीव कर रहे हो। तो आप जो देख रहे हो वो आपके लिए सच है, मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए झूठ है, आपके लिए वो सच है, लेकिन किसी और का सच आपसे अलग हो सकता है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि मान के चलो मेरे हाथ में भी लिप बाम है, तो लिप बाम से ही बात कर लेते हैं। मान के चलो ये लिप बाम है, मैं बोलता हूँ कि ये लिप बाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, ओके। वहीं कोई और इंसान बोल रहा है ये लिप बाम खराब है, तो क्या लिप बाम अच्छा है या खराब है, क्या है? हो सकता है कि उस दूसरे इंसान के ऊपर इसका रिएक्शन कर गया हो, इसलिए वो बोल रहा है वो खराब है, उस पर वो वर्क नहीं कर रहा हो, लेकिन मेरे लिए वर्क कर रहा है। तो मेरा जो रियलिटी है, वर्ल्ड को देखने का व्यू है, वो काफी डिफरेंट है देन द अदर पर्सन। तो यही बेसिकली प्लेटोज एलिगरी है। तो प्लेटोज एलिगरी का सीरीज में बात किया गया है, तो आप पूछोगे कि इसका यूज क्या है भाई, मतलब ठीक है बात किया गया है तो इसका यूज क्या है? तो यूज मैं बताता हूँ आपको। तो सीरीज में अगर आप देखोगे तो हर एक कैरेक्टर का एक बैक स्टोरी था, राइट? हर एक कैरेक्टर का एक बैक स्टोरी था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बैक स्टोरी से बात करें। चलो कैप्टन आइक के बैक स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, उनकी फैमिली जल गई थी। फिर हम लोग टाओ के बैक स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, वो लोग किसी लैंडलॉर्ड के अंदर थे एंड उसके साथ बुरा हुआ था टाओ के साथ, एंड टाओ का भाई जो था क्रिस्टर भी मतलब लैंडलॉर्ड का जो बेटा था उसके चक्कर में था, ठीक है, ये एक बैक स्टोरी हुई। फिर एक बैक स्टोरी थी मतलब उसकी क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, ओके, एक और बैक स्टोरी थी, वो वॉर वाला जो सिचुएशन था, नाम मैं स्लिप कर रहा है दिमाग से, तो उसका भी एक बैक स्टोरी था, राइट? तो जब ये सारी जो बैक स्टोरीज हम देखते हैं, जितनी भी सारी बैक स्टोरीज, हमको सीरीज के एंड पता चलता है कि सीरीज तो 2099 में सेट है, लेकिन इन सब की बैक स्टोरी 1899 में कैसे हो सकती है? अगर जेरोम, यस यस राइट, थैंक यू। सो जेरोम था, जेरोम की जो बैक स्टोरी है वो 1899 में है, आइक की बैक स्टोरी है वो भी 1899 में है, साथ में टॉ की बैक स्टोरी है वो भी 1899 में है, लेकिन वो ईयर तो हमें लास्ट में बताया गया कि 2099 है। तो जब 2099 ईयर है तो इनका बैक स्टोरी 1899 में कैसे हो सकता है? तो यहीं पे आता है प्लेटोज एलिगरी का बेसिकली सिग्निफिकेंस। सो बेसिकली है ऐसा सीन कि इन लोगों के साथ जो भी लाइफ में हुआ था, जो भी उनको साथ हुआ है, वो उसी चीज को बेसिकली देख रहे हैं, उसी चीज को बहुत अच्छे से, उसी चीज को परसीव कर रहे हैं उस जगह पे, जस्ट दैट उनका परसेप्शन डिफरेंट है। लाइक एग्जांपल, आइक के साथ 2099 में भी शायद वही हुआ होगा कि उसकी बीवी ने बच्चों को जला दिया होगा, लोग मर गए होंगे, जस्ट दैट कि वो अभी 1899 के सिमुलेशन में है, तो वो उस चीज को ऐसे परसीव कर रहा है एक डिफरेंट लेंस के थ्रू, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये एक तुमको परसेप्शन हुआ। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं जेरोम की, तो जेरोम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जेरोम के साथ जो उसका एक साथी था, उसका भी नाम भूल गया, नाम मेरे को भूलने का बहुत आदत है। तो इन लोग जो थे, तो उन लोग के साथ जो भी हुआ, ठीक है, वो सिमिलर चीज उनके साथ हुआ होगा फ्यूचर में, फ्यूचर इन द सेंस मेरा कहना 2099 में, लेकिन लुशियन जेरोम और लुशियन के साथ जो हुआ होगा वो 2099 में भी उसी तरह का कुछ हुआ होगा। वहां भी शायद वॉर में कुछ उन लोग फंसे होंगे, लेकिन उसी चीज को हम लोग को डिपिक्ट करके दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अब जैसे एक एग्जांपल की तरह मैं बताता हूँ, सीरीज का एग्जांपल लेके, टॉव है, जैसे कि टॉव है, टॉव को आप लोग जानते हो, टॉव के साथ क्या हुआ था आप सबको पता है कि टॉव का भाई क्रिस्टर बेसिकली लैंडलॉर्ड के बेटे के साथ चक्कर चल रहा था उसका, तो लैंडलॉर्ड इसके लिए टॉव के साथ गलत कर देता है। नाउ इसको आप एक दूसरे परसेप्शन से देखो, 2099 में आ जाते हैं हम लोग, तो 2099 में क्या आपको लगता है कि लैंडलॉर्ड जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा वहां पे? मतलब सोसाइटी डेवलप कर गई होगी ना, तो लैंडलॉर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है वहां पे, तो क्या हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि टॉ किसी, हो सकता है एक बुरे मैरिज में हो, एक ऐसे मैरिज में जहां पे उसका हस्बैंड उसके साथ गलत करता हो, राइट, जबरदस्ती करता हो, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन में है जहां पे हुआ उसके साथ वही सेम चीज है, जस्ट दैट सिचुएशन इज डिफरेंट, पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, लेंस इज डिफरेंट, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सो दिस इज व्हाट प्लेटोज एलिगरी का काम है इस पूरे सीरीज में, एंड दिस इज व्हाट
यही हम लोग को बताने की कोशिश किया गया कि जो आप देख रहे हो सबकी हिस्ट्री, क्योंकि बहुत लोग ये बात बोल रहे थे कि जब ये पूरा सिमुलेशन था तो हम लोग को इतना हिस्ट्री क्यों दिखाया गया, बोर कर दिया। नहीं, हिस्ट्री इसीलिए दिखाया गया हम लोग को क्योंकि हम लोग हिस्ट्री देख के समझ सके कि उनके साथ रियल लाइफ में एक्चुअली हुआ क्या होगा। तो जरूरी नहीं है जो आप देख रहे हो वही हुआ है, वैसा ही कुछ हुआ है, समझ गए। तो ये एक सिचुएशन आया, बोल रहे हैं वॉल्यूम कम आ रहा है, थोड़ा बढ़ा लो वॉल्यूम, में थोड़ा सा दूर हूँ ना, माइक मैं यूज़ नहीं किया हूँ, माइक एक्चुअली है ही यहाँ पे। तो ये अपना हो गया प्लेटोज एलिगरी का बात, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एलियट पे, एलियट यानी कि उसका जो बच्चा था। तो बहुत तो पूछ रहे थे कि क्या एलियट मर गया, मतलब एलियट के साथ क्या हुआ था। तो हम लोग जो सीरीज में देख पाए, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ एलियट का क्या सीन है बेसिकली। तो सीरीज में हम देख पाते हैं कि एलियट अजीब सा एक मिस्टीरियस सा बच्चा है, बाद में पता चलता है कि मोरा का बेटा है और डैनियल का बेटा है, ठीक है, यहाँ तक समझे हम बात। फिर हमें बताया गया कि भाई एलियट जो है वो बेसिकली मतलब कुछ रियल रियलिटी में उसके साथ कुछ तो होने वाला था, इसलिए मोरा ये सिमिल, ठीक है, समझ गए इतना तक बात हम लोग। अब अगर आप ध्यान दो तो एलियट का जो जगह था, जो कि डैनियल बोलता है मोरा को कि हम लोग ये पहला सिमुलेशन क्रिएट किए थे, वो किड्स रूम था, एलियट था, वो ग्रेवयार्ड के अंदर था। व्हाट डज दैट मीन, क्या लगता है आप लोग को? चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पता चलेगा कि आप लोग सुन भी रहे हो या नहीं। तो वो ग्रेवयार्ड के अंदर क्यों था, क्या लगता है आपको? वो जो किड्स रूम था, जो पहला सिमुलेशन मोरा और डैनियल ने बनाया था, वो ग्रेवयार्ड के अंदर क्यों था, बताओ मेरे को। एलियट मरा हुआ था, ही इज डेड, राइट। तो ये मेरी थियरी है, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, ओके। सो द पॉइंट इज कि एलियट ऑलरेडी रियल वर्ल्ड में मर चुका है, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, बट एलियट ऑलरेडी मर चुका है और उसके कॉन्शियसनेस से मोरा ने सिमुलेशन को, एलियट को खो ना सके, और यही मोरा का सबसे बड़ा ग्रीफ है। अगर आपको याद हो सीरीज में एक पॉइंट आता है 7th एपिसोड के स्टार्ट में शायद, जब एलियट एक बीटल को पकड़ लेता है, बीटल को, बीटल पे ही बात करेंगे हम थोड़ा, बीटल को पकड़ लेता है एलियट और वो लेके आता है मोरा को, तो मोरा बोलती है कि तुमको बीटल को छोड़ देना होगा, यू नीड टू लीव द बीटल, क्योंकि तुम उसको अपने साथ हमेशा नहीं रख सकते अपने साथ कैद करके। एंड दैट इज व्हाट डैनियल वाज ट्राइंग टू टेल मोरा कि तुम मतलब एलियट इज गॉन नाउ, तुम नहीं रख सकती अपने साथ, बट वो समझ नहीं पा रही इस बात को, ठीक है। तो मेरा मानना है कि मोरा इसी से सिमुलेशन बेसिकली क्रिएट होना शुरू हुआ था। फर्स्ट सिमुलेशन वो क्रिएट भी की थी, वो एलियट का जो किड्स रूम था वो क्रिएट की थी। तो मोरा इसी चीज में है और इसी गम को भुलाने के लिए मोरा ये पूरा सिमुलेशन क्रिएट की। इनफैक्ट सीरीज में हेनरी एक बार बोलता भी है कि यहाँ जो लोग भी आए हैं इस शिप पे, जो लोग भी बोर्ड किए हैं, वो सब अपने चॉइस से आए हैं, क्योंकि उन सबको अपने लाइफ में कुछ तो भुलाना था। तो अगर फिर यहां लेकिन एक और कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ओके। सो द कॉन्ट्राडिक्शन इज कि अगर लोग अपने पास्ट को भुलाने आए हैं तो सब लोग अपने अपने पास्ट को देख कैसे रहे हैं? ऐसे टफ देख रही है कि उसके साथ गलत हुआ, क्रिस्टर अपना पास्ट देख रहा है, जेरोम अपना पास्ट देख रहा, देख क्यों रहा है? तो इसका भी आंसर सीरीज में ही दिया गया है। हेनरी कहता है कि हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम कितना भी चाहे ना किसी चीज को, चाहे वो ट्रॉमा ही क्यों ना हो, हम लोग उसको भुला नहीं, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, उसका फ्रेगमेंट हमारे वर्जन में रह ही जाता है, हमारे दिमाग में उसका फ्रेगमेंट्स रह ही जाता है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो एलियट मेरे हिसाब से डेड है और वो जो बेडरूम है वो उसका ग्रेव है, इसलिए वहां ग्रेव के अंदर वो लोग जाता है और वेकअप हर जगह लिखा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ थिंग। ओके, अभी और भी बहुत सारी थियरीज हम लोग जाने वालेंगे जाएंगे और जूम पे डिस्कस करेंगे, जूम पे करेंगे, मैं अभी नहीं, अभी तो हम लोग लाइव पे ही कर देंगे, क्योंकि आपसे भी मैं क्वेश्चन लूंगा, आप टेंशन मत लो। मैं बोला था 1 घंटे तक का जाएगा लाइव सेशन, तो चल जाएगा 1 घंटे का, मैं बोल रहा हूँ तो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा चीज़ है भाई, इतना चीज़ डिस्कस करना है कि मैं क्या बताऊँ। ये लाइव स्ट्रीम का वीडियो अपलोड करोगे ना? यस, इसका वीडियो भी अवेलेबल रहेगा। एनीवेज, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पानी लेके बैठना चाहिए था यार, प्यास लगने लगा। एनीवेज, तो एलियट का भी हम लोग बात कर लिए, अब यहाँ कुछ और चीज पे बात करते हैं। मेनी सोशल इश्यूज वेयर शोन, सोशल इश्यूज बहुत शो किया जाता है, विच इज अ गुड थिंग, सोशली हम लोग को अवेयर किया जाता है। ऐसा में बताया गया कि कैसे वॉर के समय उस बंदे को वो छोड़ दिया, उसके अलावा दिखाया गया कि लड़कियों को कैसे मतलब मेडिकल में स्टडी भी नहीं करने दिया जाता था, देन हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई।
बट एक बार सोच के देखो, ये सोशल इश्यूज 1899 के हिसाब से ठीक थे, लेकिन अगर ये सब चीज 2099 में हो रहा तो सोशल इश्यूज दिखाने का क्या मतलब है? क्यों हमें दिखाया गया सोशल इश्यूज? सोशल इश्यूज उस टाइम तो मोस्टली नहीं होगा, उस टाइम डिस्टिंक्शन होगा। अभी के वर्ल्ड में लड़का लड़की में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहा, तो सोशल इश्यूज क्यों हमें दिखाया गया है? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? उसका भी तो कुछ सिग्निफिकेंस होना चाहिए ना, राइट? है सिग्निफिकेंस, सोशल इश्यूज का सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला तो यही सिग्निफिकेंस है कि ऑब्वियसली राइटर 1899 में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो चीजों को सही दिखाने के लिए सोशल इश्यूज को दिखाना पड़ेगा, और दिस इज सोशल इश्यूज हमेशा दिखाना है। बट दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि नो मैटर आप कहीं भी किसी भी मतलब एरा में ट्रांसपोर्ट हो जाओ, कहीं भी हो जाओ, आपका जो ट्रॉमा है, जो भी ट्रॉमा आपके साथ है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है दिमाग के अंदर। तो उसी चीज को जो है ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया गया। अगेन यहाँ लेंस वाला एंड पर्सपेक्टिव वाला बात है। तो मतलब दैट इज व्हाई इन सोशल इश्यूज को दिखाया जा रहा है। समझिए समझे, तो दिस इज हाउ इट इज, ओके? दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील सोशल इश्यूज का है। इस पे मेरे को और कोई ज्यादा थियरीज नहीं मिला, इवन सर्च रेडिट बहुत ज्यादा कि सोशल इश्यूज को क्यों दिखाया गया, बट मेरे को यही लगता है पर्सपेक्टिव के लिए दिखाया गया है। कुछ है नहीं। वॉट इफ इट्स रिलेटेड टू देयर पास्ट लाइफ? आई डोंट थिंक पास्ट लाइफ का यहाँ कॉन्सेप्ट है, आई थिंक यहाँ कॉन्सेप्ट सिमुलेशन का ही है पूरा। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज था एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर आप देखोगे तो इस सीरीज में सब लोग अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं। कोई कैंटोनीज बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जापनीज बोल रहा है, कोई पॉलिश बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, इतने सारे मतलब भाषा लोग बोल रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो, आप जब आप ड्रीम देखते हो तो आप अपने ही लैंग्वेज में मोस्टली बात करते हो। ऐसे अगर आपका लैंग्वेज मैथिली होगा नेटिव, आप हिंदी नेटिव भी बोलते होंगे, तो आप ड्रीम में उसी में बात करते हो अपने। तो ये लोग ही बेसिकली एक सिमुलेशन में है, तो ये लोग अपने ही नेटिव लैंग्वेज में हमेशा बात कर रहे हैं, इफ यू सी, जो लैंग्वेज उनको आता है। तो सिमुलेशन में ऐसा नहीं है ना कि आपको आता है इंग्लिश और हिंदी है और सिमुलेशन में जाके आप कन्नड़ा बात करने लगोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो आपको आता है आप उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, बट स्टिल इफ यू सी सब आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे। वो दिक्कत हो रही थी कम्युनिकेशन में, बट दे वर एबल टू कम्युनिकेट। इसका रीजन यही है क्योंकि वो लोग ड्रीम के अंदर थे एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू कम्युनिकेट, और इसीलिए इतने सारे लैंग्वेजेस दिखाए गए हैं। नाउ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने शायद इसे इसलिए दिखाया होगा क्योंकि डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, ये सब की बात होती है, तो वो करना है। तो दैट इज व्हाई। क्वेश्चंस मैं लूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, मैं अपना पूरा पॉइंट पहले बता देता हूँ। इसलिए मैं इसको लाइव सेशन रखा हूँ ताकि मैं अपनी थियरीज को बता दूँ मैं पूरे अच्छे से, एंड देन क्वेश्चंस लो। सर पूछ रहा पिरामिड का क्या सीन है, एकदम उसका भी बहुत बहुत ही तगड़ा थियरी है, बहुत तगड़ा। आप लोग बस देखो। एनीवेज, अब हम लोग आते हैं स्कैरब के सिग्निफिकेंस पे। तो वो जो बीटल था बेसिकली, उसको स्कैरब भी बोलते हैं। मून नाइट में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग देखते हैं मून नाइट, तो उसमें स्कैरब बेसिकली तुमको होता है। तो स्कैरब का इजिप्शियन मतलब बेसिकली सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा ये होता है, उसको बहुत ही ज्यादा अलग अलग वे में देखा जाता है। जैसे कि मून नाइट में हम लोग देख रहे थे रीबर्थ वगैरह, इन सब चीजों से स्कैरब को जोड़ा जा रहा था। यहाँ पे वो अनलॉक कर रहा था बेसिकली, किसी तरह का डिवाइस टाइप से था। सो स्कैरब का बहुत ज्यादा यहाँ पे मोस्टली उसका उसी चीज के लिए यूज किया गया है कि हाँ मतलब वो बेसिकली तुमको आपके मेमोरीज एंड रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज व्हाट इट इज। नाउ ट्रायंगल आप लोग जैसा देखे होंगे बहुत हर जगह, वो ट्रायंगल सिंबल है क्या? उल्टा ट्रायंगल एंड अलाइन, वो हम लोग लास्ट में मोरा के भी पास देख पाते हैं, आई फॉरगॉट इन दैट वीडियो। तो वो ट्रायंगल का बेसिकली सिग्निफिकेंट, इट मीन्स होम और अर्थ, तो वो उसका मीनिंग होता है। और वो सबके पास हम लोग देख पाए बहुत जगह, किसी के कपड़े पे था, कभी बोट पे था, कभी शाफ्ट पे था, किसी के हेयर क्लिप में, मतलब एवरीवेयर द ट्रायंगल वाज देयर। ओके, तो ट्रायंगल तो हर जगह था, तो ट्रायंगल का वही बेसिकली। ओके, नाउ बेसिक हम लोग जब सारा बात बता चुके हैं तो हम लोग अब कुछ इन जनरल मतलब पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग इन जनरल अब कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों को देखते हैं जो कि मच मोर डीपर है इन चीज़ों को लेके, ठीक है? तो सबसे पहला जो एक कमेंट में आ भी रहा था थियरी, कि कायरन और कुछ नहीं बल्कि एआई है। ओके, इट्स क्वाइट पॉसिबल।
बट हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि कायरन का काम क्या है, क्या कायरन विलन है इसमें। कायरन जो नहीं समझ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मोरा का जो भाई था, क्या मोरा का भाई कायरन विलन है इसमें, और विलन कौन है यहाँ पे। तो देखो मेरा पर्सनली मानना है कि हुआ ये था कि मोरा का जो बेटा था डैनियल, सॉरी डैनियल बोल रहा है, उसका पति था मोरा का बेटा जो एलियट था, एलियट किसी बीमारी की वजह से मरने लगा। फिर मोरा अपने पति के साथ मिलकर सिमुलेशन क्रिएट की और क्या कहते हैं, अपने बेटे के कॉन्शियसनेस को वो सिमुलेशन में डाल दी। ना वो कभी भी जो है ना उस सिमुलेशन से बाहर नहीं निकलना चाहती है, ठीक है। ऑल दो उसके पास की है, लेकिन वो उस सिमुलेशन से बाहर नहीं निकलना चाहती है, वहीं अपनी जिंदगी जीना चाहती है, रियल वर्ल्ड में आना ही नहीं चाहती है। लेकिन बाकी के लोग जो है ना वो रियल वर्ल्ड में आना चाहते हैं, राइट। तो अब जो ये जो सारा सिचुएशन चल रहा है तुम्हारा रियल वर्ल्ड में आने का, तो क्या कायर, बाद में उनको पता चलता है कि कायरन इज अ मास्टरमाइंड, वो बाहर बैठा हुआ है ना। बहुत लोग बिलीव कर रहे हैं कायरन एआई है, उसका भाई नहीं है। अब एक बात मेरे को बताओ, उस मतलब बेसिकली मोड़ा का भाई क्यों चाहेगा कि मोड़ा एआई के अंदर फंसे रह सके। इसका सिर्फ दो रीजन हो सकता है। पहला जो आपने बताया कि कायरन एआई है जिसको मोड़ा खुद ही प्रोग्राम करी है कि उसको किसी भी हाल में सिमुलेशन से बाहर नहीं निकाला जाए, या तो ये हो सकता है। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कायरन को मोरा इंस्ट्रक्ट की है कि मुझे सिमुलेशन से बाहर मत निकालो, और डैनियल ये लोग जबरदस्ती उसको सिमुलेशन से बाहर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो तुमको ये सीन हो गया। नाउ एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग था सीरीज के अंदर, जहां पे मोरा एक जगह बोलती है, जब डैनियल मोरा को बताता है कि एलियट हमारा ही बेटा है, तो मोरा बोलती है कि मेरे को तो बच्चा हो ही नहीं सकता, मेरे को डॉक्टर ऐसा बोला है। तो एक और बहुत ही तगड़ा पॉसिबिलिटी है जो सारे थियरीज को ही गलत कर देता है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि रियल लाइफ में एक्चुअली में जो फ्रैगमेंट्स ऑफ मेमोरी से मोरा को ये बताया होगा, रियल लाइफ में मोरा को बच्चा हो ही नहीं सकता था। यानी कि एलियट नाम का जो बच्चा है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया रियल लाइफ में, मोरा उसको पूरी तरह से ग्राउंड अप कोड में बनाई है सिमुलेशन के अंदर। तो ये भी एक बहुत ही तगड़ा थियरी है। तो अगर ये थियरी सच होता है तो वो वाला गलत हो जाएगा कि एलियट मर गया, क्योंकि एलियट कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो इवन दिस इज अ थियरी, तो ये मैं सोचा मैं आपको बता देता हूँ। और एक और चीज़ बहुत ही यहाँ स्क्यूड था, वो स्क्यूड ये था, बहुत ही अजीब सा था कि अगर आप देखो तो मोरा को, मोरा डैनियल के साथ वाइब नहीं कर पा रही थी जबकि उसका पति था एंड एवरीथिंग, बट मोरा डैनियल के साथ वाइब उतना नहीं कर पा रही थी जबकि कैप्टन आइक के साथ वाइब कर पा रही थी। अब आइक का वर्ड आप देखो, EYK, अगर इसको आप रीअरेंज करते हो तो हो जाता है KEY, की, समझ रहे हो। और क्या बोला गया था, एक की है यहाँ पे जिससे आप बाहर निकल सकते हो, और वो की को बाद में डैनियल चेंज कर दिया था, एक लिटरल की था, बट आइक माइट बी द की, एंड दैट इज वाई आइक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस पूरे सीरीज में, जहां पे आइक ही मेन हो। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये भी एक बात बताया जा रहा है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि डैनियल एक्चुअली में एक बुरा इंसान है कोई, ठीक है, जो मोरा को बेवकूफ बना रहा है, और वो सारा मैन्युफैक्चर्ड मेमोरी है कि हम तुमसे शादी कर चुके हैं एंड ऑल, एक्चुअली में आइक के साथ मोरा रिलेटेड हो सकती है। सो इवन दैट इज देयर। अब मैं ऑब्वियसली मैं बस पॉइंट मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो कैन नॉट रियली से कि कैसा क्या सीन है, बट दिस इज वॉट आई थिंक, ये वन ऑफ द चांसेज है। और इसी थियरी पे एक और चीज बिल्ड होता है कि इट्स ऑल मोड़ा, ये सब मोड़ा ही है, यानी दूसरे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ मोड़ा एग्जिस्ट करती है, और वो उसके लाइफ में जो जो चीज हुआ है उन चीजों से लेके ये पूरा चीज बना रही है। तो या दैट इज हाउ इट इज। तो ये एक चीज हुआ। अब एक और क्वेश्चन मैं बहुत बार बार देख रहा हूं, लोग पूछ रहे हैं कि डैनियल एडा को क्यों मार दिया। देखो वहां पे एक सबसे पहली बात, कोई भी किसी को मार नहीं रहा है, ठीक है, वहां पे वो तो डिवाइस है स्विच ऑफ कर देता है। और डैनियल एडा को बहुत सिंपल रीजन है इसका, डैनियल एडा को इसलिए स्विच ऑफ किया क्योंकि एडा उसको वहां पे देख ली थी कुछ उल्टा सीधा करते हुए। अब वो जाके सबको बता देती, नीचे जाती है सबको चिल्ला चिल्ला के बताती कि वहां मैंने देख लिया एक आदमी को ऐसा ऐसा कर रहा है, इसलिए उसको यहीं पे स्विच ऑफ कर दो। एनीवेज, तो ये भी एक पॉइंट हो गया अपना। ब्रो मेक अ डिस्कॉर्ड सर्वर सर्वर प्लीज। अभी तो हम लोग लाइव पे ही बात करेंगे, सब कुछ क्वेश्चंस वगैरह लूंगा। एक और थियरी में बताता है कि, मैं सब लिख के रखा हूँ इसलिए देख देख के बताता हूँ, कि स्पेसशिप जो जहाँ लास्ट में था वो एक्चुअली में एक प्रिजन है, ठीक है। तो वो एक्चुअली में एक प्रिजन है जहाँ पे एज ए पनिशमेंट लोगों को रखा जाता है, प्रिजनर्स को, और उनको उनका लूप में प्ले करके उनको उनके रॉन्ग डूइंग्स के बारे में बताया जाता है, एंड मे बी उसको अलग प्लान पे सेटल किया जाता है। तो एक और ये थ्योरी है
एंड अगेन, एक जो सबसे अंडरलाइन पॉइंट है यहाँ पे ट्रॉमा को लेके, कि हर इंसान के अंदर एक ट्रॉमा है, तो उस ट्रॉमा को लेके जैसे लिंगी का ट्रॉमा है, एंड एवरी सबका अपना अपना ट्रॉमा है, तो बेसिकली एग्जैक्ट मेमोरीज को शिप के अंदर रिलीव किया जाता है विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ताकि वो अपने ट्रॉमा के साथ डील कर सके, उससे आगे बढ़ सके। तो ये हो गई मेरी तरफ से सारी थियरी जो जो मेरे को बतानी थी, मैंने आपको मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स बता दिए। अब यहाँ से मैं आपके क्वेश्चंस को उठाऊंगा, तो धीरे 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 करके आप लोग क्वेश्चंस पूछो, हम लोग क्वेश्चंस बताएंगे। व्हाई डेनियल किल्ड एडा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्कशन जो मैं बता दिया उसमें मैं बात नहीं करूंगा दोबारा। वो जापानीज लड़की के साथ क्या हुआ, जापानीज लड़की को वो ओलेक के साथ वो बेसिकली पसंद करने लग गई थी, बट ओलेक भी मतलब सर्वाइव नहीं कर पाया, लाइक वी सॉ ओलेक सर्वाइव नहीं कर पाया। सो That's that. Is Elliot dead? देखो मैं इस सीरीज में एक और फिर से बता देता हूँ, इस सीरीज में कोई भी डेड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा खेल ही AI का था, सिमुलेशन AI इन चीजों का था। जब सिमुलेशन के अंदर आप हो तो नो वन इज डेड, सब अलाइव ही हैं। जस्ट दैट कि ये वाला लूप खत्म हो गया। जापानीज लड़की के साथ क्या हुआ, जापानीज लड़की कुछ नहीं हुआ। आर यू डूइंग नो शेव नवम्बर, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत काटता नहीं हूँ। ओ ब्लैक थिंग इन द शिप, थैंक यू वेरी मच सौरभ पांडा, ये ध्यान से सुन रहे हैं, ये ध्यान से सुन रहे हैं सौरभ, इनको इन्होंने पॉइंट आउट कर लिया, मैं लिखना भूल गया था। सो देयर इज अनदर थिंग, हम लोग शिप में देख पाते हैं कि एक ब्लैक चीज ग्रो कर रहा है, उसको छूने से लोग करप्ट हो जा रहा था, तो वी कैन अंडरस्टैंड इट एज कि सिमुलेशन के अंदर एक बेसिकली वायरस था। अब अगर आप ध्यान दो तो डैनियल बहुत ज्यादा सिमुलेशन को हैक कर रहा था, मोस्टली वायरस इसी वजह से आया होगा। लेकिन यहाँ एक दूसरी थ्योरी इसको लेके ये भी है कि डैनियल एक्चुअली में अच्छा इंसान नहीं है और वही वायरस को रिलीज किया है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द थियरीज अबाउट द ब्लैक थिंग, और वो वायरस है, और वायरस का ही प्रॉपर्टी यही होता है कि वो सबको लग जाता है। अभी कंप्यूटर में क्या होता है, एक फाइल जो भी उसके कॉन्टैक्ट में है करप्ट होता जाता है, तो दैट इज वॉट एग्जैक्टली वॉज हैपनिंग इन द सिमुलेशन। सो दैट इज वॉट द ब्लैक थिंग इज। वाई एंड हाउ वेर द अदर पीपल सच एज जेरोम आइक ईटीसी वर सेलेक्टेड फॉर द सिमुलेशन, डिड दे वॉलंटियर वेर दे फोर्स टू एंटर द सिमुलेशन। उसमें क्लियरली बताया था हेनरी ने कि उन लोगों ने वॉलेंटियर किया था अपने ट्रॉमा को, अपने पास्ट को भूलने के लिए, तो आई थिंक इट वॉज वॉलेंटियर्ड बाई देम। लेकिन हम लोग कह नहीं सकते हैं कि किसका क्या पर्सपेक्टिव है इस सीरीज में, पूरा क्योंकि प्लेटोस एलिगरी का बात हो रहा है, पूरा पर्सपेक्टिव इंसान का फ्लॉड हो सकता है, राइट तो इसलिए वी कैन नॉट श्योरली से, लेकिन सीरीज में ऐसा ही बताया गया है। प्रोमीथियस में एलियट एक बॉक्स के अंदर क्यों था, वो बॉक्स बेसिकली वन ऑफ द प्लेसेस था, जैसे कि सिमुलेशन के अंदर देयर आर सम प्लेसेस राइट, तो वो एनर्जी प्लेस था मेरे हिसाब से, तो उस प्लेस जैसे कि वो पानी में फेंका था, ही केम अप देयर वापस से, उसका स्ट्रैंगल भी था जिसे वो टाइम वाइम स्लो कर पाता, बिकॉज इट्स अ सिमुलेशन एट द एंड ऑफ द डे, कोड्स है, तो कोड्स का कीज हैक्स सब कुछ मौजूद हो सकता है कोड्स के अंदर, राइट। ओ भाई पिरामिड, पिरामिड का थियरी बताना भूल गया, ओके एमएनएक्स ओपी इन द चैट एक बार फिर से, बहुत ही बढ़िया आपने याद दिलाया मेरे को पिरामिड का, ओके इसको लेके बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है। सो द थियरी सेज कि ये जो सारा सीरीज चल रहा है ये एक्चुअली में तुमको एंशियंट इजिप्ट में चल रहा है, एंशियंट इजिप्ट में, और ये उस टाइम का उस समय की बात है जब एक्चुअली में चीजें बहुत एडवांस हुआ करती थी, बहुत पहले लाइक हजारों हजार साल पहले, एंड वहां से चीजें इस तरह से बनाई जा रही है, डेवलप की जा रही है। नाउ आई एम प्रिटी श्योर ये थियरी मोस्टली रॉन्ग है, बट ये वन ऑफ द थियरीज है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि ये क्या कहते हैं, ये मोस्टली रॉन्ग होगा, ठीक है। दे आर गोइंग टू डिफरेंट प्लैनेट एंड फॉर नॉट एज स्लीपिंग दे डिस्कवर्ड दिस ड्रीम, इज इट ट्रू, हो सकता है एज स्लीपिंग वो लोग कर रहे हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। नाउ पिरामिड को लेकर एक और थियरी ये है कि एज वी सी कि यहाँ पे हर एक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को दिखाया गया, चाहे वो चाइनीज का हो, जापानीज का हो, फ्रेंच का हो, ये वो, तो पिरामिड वॉज काइंड ऑफ एन इंक्लूजन थिंग कि वो लोग इजिप्ट का भी कल्चर को दिखा सके एंड एवरीथिंग। नाउ इज 1899 इंस्पायर्ड बाय बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री, कहीं ना कहीं बर्मुडा ट्रायंगल से हल्का रिलेट करता है, क्योंकि वहाँ भी शिप्स गायब हो जाती हैं और यहाँ भी शिप काइंड ऑफ गायब होकर एक जगह पहुँच जाता है, तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बट आई पर्सनली थिंक कि बर्मुडा ट्रायंगल से इसका उतना कनेक्शन नहीं होगा, राइट बट हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। थियरी एंड कायरन, कायरन का मैंने बता दिया कि या तो उसका भाई है जिसको वो बोल रखी है कि मेरे को किसी बार में सिमुलेशन से बाहर नहीं निकलने देना, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दैट, या फिर कायरन उसके द्वारा ही क्रिएटेड एक AI है मोड़ा के द्वारा जो कि उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है।
Bro, can it be possible that Mora woke up means on that spaceship could also be a part of simulation? Yeah, it's possible. और इसका मैं मेरे को लगता सिमुलेशन ही है स्पेसशिप, और इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ. अगर आपको याद हो तो शिप पे अगर उन्होंने एक बुक खोला था तो एक उसके अंदर कुछ तो कॉफी वाला लाइन था बुक के अंदर, मे योर कॉफी किक इन. ओके, एंड जब वो वापस उठती है तो वहां पे भी उसको दिखता है वो मे योर कॉफी किक इन वाला लाइक स्टिकर, राइट? तो हो सकता है कि ये सारा चीज सिमुलेशन ही है. एंड सिमुलेशन का कितना लेयर्स है हम लोग उस बात पे भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं. व्हाई 1899 टाइमलाइन, व्हाई नॉट अदर टाइमलाइन? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे कभी मैंने सोचा नहीं. 1899 और 2099 की क्यों हुआ टाइमलाइन? लाइक 200 साल आगे. आई कैन नॉट से एग्जैक्टली व्हाई 1899. कुछ नंबर्स में है क्या? 188 रिप्रेजेंट्स इन्फिनिटी, 99 काइंड ऑफ हाफ इन्फिनिटी. कैन नॉट से ब्रो, इस पे मैं सोचा नहीं हूँ तो रियली कैन नॉट से कि क्यों 1899. आई थिंक इट्स माइट बी रैंडम, रैंडम हो सकता है. कर्बरोस छोड़कर बाकी शिप्स का नाम प्रोमीथियस क्यों था? प्रोमीथियस बेसिकली आई एम नॉट वेरी श्योर, आई रेड अबाउट इट, वो ग्रीक गॉड कुछ तो है ना. प्रोमीथियस का मीनिंग क्या होता है? प्रोमीथियस मीनिंग एक बार सर्च करते हैं. ग्रीक माइथोलॉजी में ए डेमी गॉड, समवन हु इज अ पार्ट ह्यूमन एंड पार्ट गॉड, हु स्टोल फायर फ्रॉम माउंट ओलंपस. ओके, प्रोमीथियस वाज अ टाइटन, द क्लास ऑफ इमोर्टल्स हु वर अराउंड लॉन्ग बिफोर जियस. जियस से पहले था. ओके, तो पार्ट ह्यूमन पार्ट गॉड, हु स्टोल फायर फ्रॉम माउंट ओलंपस. फायर का रिप्रेजेंटेशन सीरीज में कहाँ है? फायर का रिप्रेजेंटेशन मोस्टली आइक के साथ था. आइक का फैमिली आग में जल गया था. और क्या है माउंट ओलंपस? माउंट ओलंपस सीरीज में इज इट रेफरिंग द पिरामिड? आई कैन नॉट से. इन ग्रीक माइथोलॉजी एंटेन स्टोरी अ डेमी गॉड, समवन हुज पार्ट ह्यूमन पार्ट गॉड. मैं बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी से उठाया गया इस चीज को. इसलिए शिंक द शिप, शिंक द शिप का सिंपल रीजन है क्योंकि अगर वो लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे तो लूप शायद खत्म हो सकता है. तो वो लोग नहीं चाहते हैं कभी भी शिप डेस्टिनेशन तक पहुंचे, और आज तक कभी नहीं पहुंच पाया. तो इसलिए शिप को डुबाओ डुबाओ डुबाओ, और डुबाने का होगा क्या, वहीं पहुंच जाता है वापस से. मतलब वो होल में निकल के, वो जो नहीं ओशन ऑफ शिप्स था जहाँ बहुत सारा था, यानी कि एक फेल्ड सिमुलेशन काइंड ऑफ फेल्ड पार्ट ऑफ कोड एक जगह डाल दिया गया. रियल वर्ल्ड में कैसे होगा, कोई चीज़ फेल हो गया तो आप एक जगह फेंक रहे हो उसको, तो वो रिप्रेजेंटेशन है. बट कोडिंग में भी तो ऐसा होता है ना, जो फेल्ड कोड होता है किसी एक कोने में पड़ा हुआ है, डिलीटेड आर्काइव्स यू कैन से. Why was Karen trapping his own sister? As I said, AI हो सकता है, या फिर वो खुद ही बोली होगी. सीजन टू आएगा क्या? 100% आएगा, 100% आएगा. आर्काइव, यस. फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में शिप टेलीपोर्ट होता है. ओके, 1899, 1 + 899 इक्वल्स टू 8900 होगा ना? नहीं, आर्काइव था. बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू. हु इज सीजन टू आएगा? सीजन टू आएगा, 100% आएगा. ओके, तो आप लोगों के पास और भी क्वेश्चन है तो वो पूछो मेरे को प्लीज. सौरभ पूछ रहे हैं, सम लूप रिलेटेड स्टोरी इज देयर फॉर प्रोमीथियस इन ग्रीक माइथोलॉजी. ओके, हो सकता है, मैंने उस पर एक्चुअली रिसर्च नहीं किया है ढंग से, तो अभी मैं देखने लगूंगा तो टाइम वेस्ट होगा. हो सकता है, बट सिग्निफिकेंस हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते. ओके, नॉर्म मिथोई बोल रहे हैं, इलियट इतना छुपा क्यों था? उसे स्क्रिप्ट नहीं मिला था क्या? बिकॉज ही न्यू कि सब कुछ मॉनिटर हो रहा है करके, एंड उसको हर सिमुलेशन में वो भी होगा ही ना ऑब्वियसली, तो उसको इलियट को पता होगा हर सिमुलेशन में, अंत में आके उसी को लोग ब्लेम करता है, यही शैतान है, इसी को मारो. तो वो छुप के रहता है, दैट्स व्हाई. व्हाट इज नेक्स्ट मूवी? योर थंबनेल मैन, थंबनेल, थैंक यू नॉर्म मिथोई, उनके कारण बढ़िया थंबनेल है. सो एक बार सुभजीत ओपी इन द चैट कर दो आप लोग. इज हेनरी अ बैड गाय? अगेन पर्सपेक्टिव, ही माइट बी अ बैड गाय, ही माइट बी अ गुड गाय, लेकिन मेरे को जैसा देख के लग रहा है कि हेनरी इज नॉट अ बैड गाय, ही इज जस्ट समवन हु इज ट्रैप्ड इन द सिमुलेशन, ही जस्ट वांट्स टू गेट आउट ऑफ द सिमुलेशन एट एनी कॉस्ट. हेनरी का बस यही है, कुछ नहीं है. अटैक ऑन टाइटन का अगला लाओ. अटैक ऑन टाइटन का जब फाइनल सीजन आ जाएगा तो एक साथ लाएंगे जब भी आएगा तब. अब मैं उस पर 3-4 वीडियो नहीं. ओके, कमेंट्स में और भी क्वेश्चन देखते हैं. क्या है स्पेसशिप सिमुलेशन है क्या? हाँ, हो सकता है स्पेसशिप भी, कितना भी सिमुलेशन हो सकता है, किस लेयर तक है हम लोग खुद नहीं पता. इंसेप्शन में लास्ट में पता चलता है क्या कि ड्रीम्स निकले या नहीं, सबका अपना अपना थियरीज है, राइट? कितना लेवल्स ऑफ ड्रीम्स था हमें नहीं पता. सिमिलरली यहाँ पे भी कितना लेवल्स ऑफ सिमुलेशन है हमें नहीं पता. इज मोरा इविल? शी माइट बी इविल. इसको इविल नहीं कह सकते हम लोग, कह सकते हैं मोरा इज समवन हु इज इन पेन, हु इज हर्ट, जो अपने बच्चे को खो दी है
एंड देन वो सिमुलेशन क्रिएट की और वो अपना एक दुनिया बना ली और उससे बाहर नहीं निकलना चाह रही, बट सिमुलेशन उसके हाथ से निकलता जा रहा है क्योंकि सिमुलेशन के अंदर सिमुलेशन तैयार हो रहा है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन 1899 एक्यूज्ड ऑफ प्लेजरिज्म? आई डोंट नो अबाउट दैट सो आई कैन नॉट से कि कौन प्लेजरिज्म का डाला है उस पे, मेरे को कोई आइडिया नहीं भाई। प्रोमीथियस एलियन फ्रेंचाइज एक मूवी है, वहां प्रोमीथियस एक स्पेसशिप था, की कनेक्शन है? अच्छा, लेटर्स का रेफरेंस क्या है? हाउ डिड दे रिसीव द लेटर्स? वो तो बेसिकली हेनरी उन लोग को मतलब लिख के भेजा था ताकि वो लोग शिप को बोर्ड करें, ऐसा समझ में आ रहा है। इट्स सम काइंड ऑफ एन इनविटेशन कि आप लोग शिप को बोर्ड करो, एंड सबको लेटर मिला था, एंड दैट्स व्हाई दे केम। मतलब कि हर एक कैरेक्टर को ऐसा याद है कि हमें एक लेटर मिला, हम उस लेटर के कारण शिप पे आए। जब लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप शिप बोर्ड कब किए, याद है आपको कहाँ से बोर्ड किए, कैसे बोर्ड किए, उनको कुछ याद नहीं। तो बेसिकली एक कोड बेसिकली एक जगह से शुरू हो रहा है, तो उसको समझाने के लिए कोड, ताकि भटक नहीं जाए कि हाँ तुमको लेटर मिला था इसलिए तुम शिप पे आए थे। तो वो यही सोचेगा हमेशा, हाँ मेरे को लेटर मिला था इसलिए मैं शिप पे आया था, लेटर मिला था शिप पे आया था। लेटर कौन लिखा था? हेनरी लिखा था सबको, हेनरी लेटर दिया था सबको। लेकिन एक्चुअली में जब उनसे पूछा गया कि कब चढ़े थे शिप पे, याद ही नहीं है किसी को। टेल अबाउट इंडियन माइथोलॉजी। देखो यहाँ पर हम लोग 1899 का बात कर रहे हैं, आप कहाँ टॉपिक मत भटको, जिस पॉइंट पे बात कर रहे हो उस पर। मेरे को भी काम है भाई, मैं टाइम निकाल के बैठ रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर सके इस चीज़ को। ये वीडियो लाइव रह जाएगी चैनल पे ताकि जो लोग भी आएंगे वो लोग देख के समझ सके थियरीज को। तो प्लीज डोंट डेविएट द टॉपिक, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे जो भी है यहाँ पे चैट में। टाइटल इज 1899 बिकॉज मे बी ड्यूरिंग 1800 सम शिप्स हैड डिसअपीयर्ड ऑफ क्रू ऑफ सम शिप डाइड ऑफ सम सस्पिशियस रीजन। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। आर्काइव 81 का सीजन 2 कब आएगा? जब भी आएगा पता नहीं, लेकिन जब भी आएगा मजा तो काफी आएगा। डोंट से सो, वी आर वेटिंग फॉर फुल ऑफ इंजीनियरिंग गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ अटैक ऑन टाइटन एनीमे। उस पर व्यूज बहुत कम आते हैं। द की रिमाइंड्स मी ऑफ लॉक एंड की वेब सीरीज। भाई क्या गंदा किया था लास्ट सीजन में। एनीवेज अच्छा ही था ओवरऑल। इन माय ऑप्शन द 1899 वर्जन ऑफ द कैरेक्टर्स मेमोरीज वर इंप्लीमेंटेड एंड डिडन्ट ऑकर इन रियलिटी। ओके एग्जाम्पल, आइक्स वाइफ एंड चिल्ड्रन डिन डाई इन फायर एंड देयर वर्जन इज द सिमुलेशन वाज इम्प्लांटेड। या मेसी इज गोट इज राइट एक्चुअली। ये भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि उनके साथ रियल लाइफ में वो ट्रॉमा नहीं हुआ होगा, ये सब इम्प्लांट किया गया है। लेकिन फेक मेमोरी इम्प्लांटेशन का मैंने कहीं भी सीजन वन में जिक्र हुआ था एक जगह, कि हैव वो इलियट को जब वो देता है तो इलियट पूछता है उससे कि क्या तुम मेरे अंदर फेक मेमोरी को इम्प्लांट किए हो, बट वो बोलता है नहीं 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 फेक। तो उसी समय वो बूढ़ा बोलता भी है कि ट्रॉमा का हमारे पास रह जाता है। सो आई एम नॉट श्योर कि फेक मेमोरी को इम्प्लांट कर पाना कितना पॉसिबल है, बट अगर पॉसिबल है तो हो सकता है कि आपका थियरी सही हो। मे बी देयर ऑल इन बरमूडा ट्रायंगल, नो वन इज रियल विलेन। पॉसिबल, अनलाइकली बट पॉसिबल। बोथ फादर एंड हस्बैंड वॉन्ट टू वेक हर अप वेन दे फाइट। हाँ ये भी मेरे को पर्सनली यही लगता है कि हर इंसान इस सीरीज में एक्चुअली में विलेन तो ऐसा कोई नहीं है, बट पॉइंट करना पड़े तो मेरे को लगता है कि ये सब मौड़ा का खेल है। ठीक है, मौड़ा का पूरा खेल है। वो पूरी तरह से मतलब सिमुलेशन के अंदर घुस चुकी है, वो उसे बाहर नहीं निकलना चाहती है। गायरन एआई है, सब कुछ उसका ही फेल सेफ मैकेनिज्म है, सब उसका ही खेल चल रहा है, और मौड़ा इज द सेंटर पीस और सब लोग उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो विलेन ऐसा कोई नहीं है, एंड सब लोग चाहते हैं कि मौड़ा को किसी तरह से उठाया जाए। मौड़ा का पिता में भी चाहते हैं कि वो सिर्फ निकल जाए, डैनियल चाहता है मौड़ा भी उठ जाए। अब डैनियल भी हो सकता है विलेन, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट मेरा पर्सनली बिलीफ है कि मौड़ा ही सेंटर पीस है एंड उसके इर्द गिर्द सब लोग घूम रहे हैं। मे बी दे आर ऑल इन बर्मुडा ट्रायंगल, नो वन इज रियल। ओके हो सकता है। स्पेसशिप में एक चैम्बर में हमारे सारे कैरेक्टर थे, वैसे भी बहुत सारे चैम्बर थे स्पेसशिप में, उसका क्या सीन है? हाँ मतलब वहां सारे कैरेक्टर्स थे शिप पे, अगर आप याद करो तो 400 कुछ क्रू मेंबर थे, लास्ट में लिखता भी है ना, और 1400 लोग थे। तो उतने लोग को अलग अलग चेंबर में रखा गया होगा, ऑब्वियसली सबको सब सिमुलेशन के अंदर है। और हो सकता है ये जो हम स्टोरी देख रहे हैं वो एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव अलग हो, बट आई पर्सनली फील कि सब सिमुलेशन एक में, मतलब सबका अलग अलग सिमुलेशन नहीं है, एक ही सिमुलेशन है इसके अंदर रखा गया है। और एक और बहुत अजीब चीज थी यार, स्पेसशिप पे अगर आप ध्यान दो तो सीआरटी मॉनिटर्स वगैरह थे। तो मे भी हो सकता है कि स्पेस में एलसीडी एलईडी वगैरह माल फंक्शन करता हो ज्यादा, तो इसलिए हो। बट मतलब टाइम एंड एज का थोड़ा सा नहीं, विकृत है, थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाई नॉट
व्हाई नॉट डैनियल इन्फॉर्म मोरा अर्लियर, क्योंकि मोरा को जब वो इन्फॉर्म किया तब तो वो बिलीव ही नहीं कर रही थी, मोरा का ही पूरा मेमोरी गायब हो जाता है। हमको लगता है ये सारा जो लूप क्रिएट बोल रहे मोरा के द्वारा ही क्रिएटेड है ताकि वो किसी भी तरह से कोई भी उसको बाहर नहीं खींच सके इस सिमुलेशन के। तो तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या लगता है, तुम लोग अभी सिमुलेशन में हो या फिर रियलिटी में बताओ, तुम लोग भी कुछ बताओ। आई थिंक हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, मेरे तरफ से जितना भी था वो हम लोग सारा डाल चुके हैं, और साथ में जो जो मेरी थियरीज थी, आप लोग ने जो क्वेश्चंस थे वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो आई थिंक दिस इज अ टाइम वी एंड दिस लाइव सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, मैं इसको जान के लंबा मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखा हूँ इस लाइव सेशन को, बिकॉज इसको बाद में भी आके लोग देखेंगे फॉर थियरीज, ठीक है। तो ऐसा है तो ये अगर ये सीरीज वाला सब कुछ रियल लाइफ भी हो तो क्या आप इस सिमुलेशन को एक्सपीरियंस करना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को ऐसे ही पानी से बहुत डर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर है मेरे को पानी से, पानी मेरे को तैर, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ओके, मेरे को पानी से बहुत प्रॉब्लम है, वैसे पे नहीं जाना है मेरे को। एनीवेज तो यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग को अगर पसंद आए तो बताना, और अगर कुछ मैं मिस कर दिया हूँ बाई मिस्टेक तो जब वीडियो आ जाएगी सीरीज अभी दिख जाएगी आपको चैनल पर तो कमेंट में लिख देना, तो मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई कर देने का। तो बाय बाय, मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, पीस आउट, अगली वीडियो कोशिश करते हैं कल आ जाएगी, पीस आउट एंड टेक केयर एवरीवन। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता देना।